नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमारे साथ हैं शौकत अली जी, जो कि आपको दीपावली का ऐसे समझाएंगे, बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। अब मिलते हैं दीप शौकत जी सर से। जी नमस्कार दोस्तों, आज हम दीपावली पर ऐसे को प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे, मिलके एक साथ बोलेंगे और साथ साथ में बच्चे आप लोग दोहराव करेंगे। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। दिवाली, ईद, माई, फेवरेट फेस्टिवल। आप कंटिन्यूस बोलेंगे इसको एक साथ में लाइन में, बोलिए आप ऐसे ही। आप अगर आप रोज़ रोज़ प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आप डेली ना आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाओगे। किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंसिएशन करना होता है उसको आप प्रैक्टिस ही आपको बेहतर बना सकती है, इसलिए आप आगे प्रोनाउंसिएशन करेंगे मेरे साथ साथ दोहराव करेंगे। एट, एज, द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, एट एज सेलिब्रेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। अब इसको एक साथ फिर से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। एट ए क्यू डेज बिफोर दिवाली पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड शॉप्स। फिर से यहाँ से दोबारा प्रोनाउंसिएशन। ए क्यू डेज बिफोर ठीक है, एक साथ प्रोनाउंसिएशन किया करो, आप आगे लार मत किया करो, एक साथ करोगे ना तो अच्छे से उच्चारण होएगा। एंड गेट देम वाइट वॉश्ड ऑन दिवाली डे। यहाँ से पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज। यहाँ से फिर से वन द नाइट दिवाली लैम्प्स आर लिट इन एवरी विलेज एंड सॉरी टाउन एंड सिटी। यहाँ से फिर से प्रोनाउंसिएशन करो। ठीक है, बहुत बढ़िया, फिर से करेंगे एक एक लाइन करके दोहराव करेंगे। जो 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 शब्द आपको नहीं आ रहे हैं उनके कठिन शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फेवरेट, फेवरेट का अर्थ होता है पसंदीदा। यहाँ पे दिवाली इज माई फेवरेट मतलब कि दीपावली आपका पसंदीदा फेस्टिवल, फेस्टिवल मतलब त्यौहार, दिवाली आपका पसंदीदा त्यौहार है। कंट्री मीन्स देश। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, ये क्या है, लाइटों का त्यौहार है। इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, ये अपने पूरे देश के भागों में सेलिब्रेट किया जाता है। ए फ्यू डेज बिफोर दिवाली, दीपावली से कुछ दिन पहले पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड शॉप्स, लोग दीपावली से कुछ दिन पहले अपने घर और दुकानें क्लीन करते हैं, साफ करते हैं। एंड गेट देम वाइट वॉश्ड, और उनके उनको चमकाते हैं। ऑन दिवाली डे, दीपावली के दिन पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज, और घरों को सजाते हैं। वन ऑफ द नाइट, वन द नाइट ऑफ दिवाली लैम्प्स आर लिट इन एवरी विलेज टाउन एंड सिटी। लैम्प्स का यहाँ अर्थ दिया हुआ है दिए से, दीपक से। तो दिवाली की रात को घरों में
गांव में, शहरों में या फिर सिटी में दिए जलते हैं, ठीक है। फिर से इसको वहां से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, शुरुआत से दिवाली से, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे, बिल्कुल। दिवाली, दिवाली, मैं बोलूंगा फिर आप पीछे बोलोगे, ठीक है। दिवाली, दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल, इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री ए फ्यू डेज बिफोर दिवाली, पीपल क्लीन देयर हाउसेज एंड शॉप्स एंड गेट देम व्हाइट वॉश्ड ऑन दिवाली डे। पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज वन द नाइट ऑफ दिवाली, लैंप्स आर लिट इन एवरी विलेज टाउन एंड सिटी। हाँ तो बच्चों, अभी इसको आप मैं एक एक करके खड़ा कर करके पूछूंगा, प्रोनाउंसिएशन करना आ रहा है वो खड़ा होकर बताएगा मेरे को, ठीक है। हाँ, इस शब्द का कौन बताएगा? आप खड़े हो, हाथ नीचे। हाँ बैठो, आप खड़े हो, ठीक है, बैठो। हाँ आप खड़े हो, पवन बादू। ये क्या लिखा हुआ है? सेलिब्रेटेड मतलब मनाना। कोई भी चीज सेलिब्रेट करते हैं ना, जैसे अपने 15 अगस्त पर कोई अपन मान लो कोई फंक्शन होता है तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेम ही सेलिब्रेट है, चाहे कोई भी त्यौहार हो उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या लिखा हुआ है? कंट्री मीन्स देश। बैठो, हाँ खड़े हो जाओ। ये क्या है? क्लीन मीन्स साफ सफाई करना, घरों की साफ सफाई करते हैं ना, वो सेम ही शब्द है क्लीन। बिफोर मीन्स, बैठो आप। हाँ बिफोर मीन्स पहले, क्या अर्थ होता है पहले? आप पहले कोई भी पढ़ाई करते हो तो क्या बोलते हो? बिफोर आई स्टडी। ये क्या शब्द है? आप खड़े हो। हाँ शॉप मीन्स दुकान, बैठो। हाँ आप खड़े हो। ये क्या है? इसका अर्थ क्या होता है? लोग, लोगों को। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? लोगों की, पीपल, पीपल को। ठीक, अच्छा तो बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ये जरूर बताइएगा, लाइक से सब्सक्राइब करें और चैनल का नाम बता दीजिए गुरुजी। सर का चैनल है OPG69, इस पर सर अच्छा अच्छा पढ़ाते हैं, इंग्लिश का अच्छा बहस लेते हैं, तो आप जरूर जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और